अब अपन ने काफी सारी थ्योरी पढ़ ली है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 अपन पूरी डिस्कस करेंगे। ध्यान से एक्सरसाइज के डिस्कशन को देखना है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद ये भी समझना जरूरी है कि उस थ्योरी को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, आराम से देखिए धीरे धीरे। तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 2.2 है, उसका जो पहला सवाल है वो ये है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज निकालने हैं। जीरोज का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, इसीलिए उसका नाम है जीरो। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। एक तो जीरोज निकालने हैं और क्वाड्रेटिक में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। हमको ये भी देखना है कि क्या वह रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं, उस रिलेशन को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि वह रिलेशन सही है कि नहीं। वह रिलेशन सही ही है, लेकिन यहाँ करने से थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये गिवन है अपन को, इसके जीरोज निकालने। इसके लिए हमको इसको फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जीरोज का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये क्या हो जाए, जीरो। ओके, फैक्टराइज करने का तरीका बिल्कुल सेट है। ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका प्रोडक्ट ये हो और सम ये हो। फोर और टू ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं, माइनस फोर एंड टू। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस टू एक्स को लिख देता हूँ माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स। हर बार यही करते हैं, ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर हो। अब यहां पर फर्स्ट में क्या था, वन, अपन ने लास्ट वाले को देख लिया। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो और सम बीच वाले के बराबर। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x माइनस फोर आ रहा है, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो भी x माइनस फोर आ रहा है। अब दोनों में से अगर x माइनस फोर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस टू निकल के आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से जो नंबर्स को जीरो बनाएंगे, x माइनस फोर कब जीरो जाएगा, जब x की वैल्यू 4 रख देंगे आप। x माइनस टू कब, x प्लस टू कब जीरो जाएगा, जब x की वैल्यू माइनस टू रख देंगे। चूंकि ये क्वाड्रेटिक का है, दो ही जीरो आएंगे, दो जीरो ही आ गए जीरो, 4 और माइनस। अब हमको वेरीफाई करना है कि भाई रिलेशन सही है कि नहीं। आओ रिलेशन सही चेक करें। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो भाई सही है, वेरीफाई कर लिया। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। तो अगर सम ऑफ रूट की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, दोनों का सम देखिए, 4 प्लस माइनस टू। अच्छा, माइनस बी बाई ए की बात करते हैं तो माइनस ऑफ माइनस टू अपॉन वन, ये भी टू ये भी टू, यानी पहला रिलेशन होल्ड कर रहा है। दूसरे रिलेशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है, माइनस एट अपॉन वन, तो माइनस एट अपॉन वन, देखो ये भी माइनस एट ये भी माइनस। तो यहां से हमने वेरीफाई भी कर लिया और रूट्स भी निकाल लिए। तो पहली इक्वेशन के जीरोस क्या हैं, 4 एंड माइनस टू पहली इक्वेशन के जीरोस हैं, और ये जो दोनों जीरोस आए, ये जो रूट्स और कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करते ही हैं, हमेशा ही करेंगे। सम ऑफ रूट हमेशा, सम ऑफ जीरोस हमेशा कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा कितना आएगा, सी बाई ए। आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखें। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग तो अगर हरी क्वेश्चन में लगाना है। यहां पर अपने को क्वेश्चन गिवन है,
फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन इक्वल टू जीरो। अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नाम एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम एस है, कोई भी वेरिएबल, उससे फर्क नहीं पड़ता। वापस से ऐसे दो नंबर खोजो जिनका प्रोडक्ट तो ये हो, फोर और वन यानी फोर इंटू वन फोर हो और सम भी फोर हो। ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनका सम भी फोर प्रोडक्ट भी फोर। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जो इन दोनों का प्रोडक्ट है। और सम क्या होना चाहिए? जो इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर आ रहा है टू, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको माइनस फोर एस को माइनस टू एस प्लस वन लिख दूंगा। हर बार यही करना है। ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ जाए और जिनका सम बीच वाले का वैल्यू आ जाए, बस। ओके, तो यहाँ से अगर हम 2s कॉमन ले लें, देखिए 2s माइनस वन दिख रहा है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो 2s माइनस वन जीरो दिख रहा है। क्लियरली 2s माइनस वन इंटू 2s माइनस वन, ओ भाई साहब ये तो 2s माइनस वन का होल स्क्वायर निकल गया। इसके दो रूट आ तो रहे हैं, ये फैक्टर जीरो ये फैक्टर जीरो, लेकिन दो जीरोज आ तो रहे हैं, लेकिन दोनों जीरोज एक ही है, यानी इसके अंदर अल्फा की वैल्यू भी हाफ निकल के आई और बीटा की वैल्यू भी हाफ निकल के आई। दो जीरोज आए लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि दोनों जीरोज की वैल्यू अलग ही होनी चाहिए। दोनों जीरोज की वैल्यू सेम भी आ सकती है, दोनों जीरोज की वैल्यू अलग भी आ सकती है। ओके, दोनों जीरोज की वैल्यू इस बार सेम आ गई। चलो तो रिलेशन चेक करते हैं। पहला रिलेशन जो चेक करना है वो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए चेक करना है, और दूसरा रिलेशन चेक करना है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए चेक करना है। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखें, तो हाफ प्लस हाफ माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर, साइन को भूलना नहीं है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है फोर। ये देखिए वन इज इक्वल टू वन, पहला रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया। दूसरे रिलेशन पर आ जाए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू सी बाई ए, वन बाई फोर इक्वल टू वन बाई, दोनों रिलेशन वेरीफाई कर लिए और जीरोस भी निकाल लिए। कॉपी करें, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन वापस से मेथड हमारा सेट है, बार बार बता रहा हूँ, सुनना है। क्वाड्रेटिक के केस में, डिग्री टू के केस में आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, डिग्री टू के केस में आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट, इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, और ये रीअरेंज नहीं है, ये यहाँ लिखा हुआ है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स जीरो कर दीजिए, उसको रीअरेंज कर लेते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर पावर आनी चाहिए, फिर एक्स पावर आनी चाहिए, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आना चाहिए। तो हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो और जिनका सम इसके बराबर हो। सिक्स थ्री का कितना हो जाएगा सिक्स 18, प्रोडक्ट आ जाए 18 और सम आ जाए 7, प्रोडक्ट 18 इनफैक्ट माइनस 18, ये 6 इंटू माइनस 3 है, ये विद साइन लेना है, और सम आ जाए माइनस 7। तो ऐसे दो नंबर मुझे दिख रहे हैं 9 और 2, अगर 9 में से 2 घटा दें माइनस 9 और 2 ले लें तो इनका प्रोडक्ट माइनस 18 आ जाएगा और इनका सम भी माइनस 7 आ जाएगा, सब कुछ विद साइन लेना है। 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 आ रहा है, तो माइनस नाइन इंटू टू माइनस 18 आ रहा है और सम माइनस 7 आना चाहिए, तो माइनस नाइन प्लस टू माइनस 7 भी आ रहा है। तो मैं बीच वाले को स्प्लिट करूंगा माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स, बीच वाले को स्प्लिट कर दीजिए। अब आपने स्प्लिट कर दिया, भाई हर बार यही खोजना है, हर बार यही खोजना है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल, 3x अगर कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन ना लें वन कॉमन ले लें, ये चीज निकल के आ गई 3x प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसको जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री, इसको जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू थ्री बाई टू। तो जीरोज हमने निकाल लिए, जीरोज हमने निकाल लिए। चलिए जीरोज निकल के आ गए, अब रिलेशन चेक करते हैं जीरोज और कोफिशेंट के बीच में। चलिए अल्फा प्लस बीटा एक तो माइनस बी बाई ए चेक करना है और अल्फा इंटू बीटा एक सी बाई ए चेक करना है। ध्यान रखना ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट,
बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी का मतलब होता है कांस्टेंट, गड़बड़ी नहीं करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -1/3 + 3/2 इज इक्वल टू -b/a, तो ये 6 आ गया निकल के। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो 3 नीचे 6 आ गया निकल के, और यहाँ -2 + 9 निकल के आ गया, और ये 7/6। क्लियरली देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें होल्ड कर रही हैं। अच्छा अल्फा इंटू बीटा को चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ इधर वैल्यू -1/2 आ गई, इधर भी वैल्यू -1/2 आ गई। हाँ भाई रिलेशन होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी 4u² + 8u = 0। जब कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो कहानी बहुत आसान हो जाती है। कैसे? सीधे वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं, तो 4u + 8 = 0। तो या तो ये वाला फैक्टर 0 या ये वाला फैक्टर 0। इस फैक्टर 0 करने से आपको 1√0 ही मिल गया, और इसको 0 करने से आपको u की वैल्यू -8/4 यानी u की वैल्यू -2 मिल गई। तो रूट सीधे आ गए। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, वेरिएबल को कॉमन लेकर डायरेक्ट। एनसीईआरटी बहुत जबरदस्त है, हर चीज ढंग से कवर्ड है। अच्छा ये आगे निकल के, तो एक रूटिए आइए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करें। तो हमको चेक करना है अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a के बराबर है, क्या अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर है। चलिए अल्फा प्लस बीटा की बात करें, 0 + -2 = -b/a, -b/a a की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पर किया जाएगा -2 = -2, बिल्कुल होल्ड कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा 0 - -2 = c/a। देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, यानी कांस्टेंट टर्म 0 है, तो 0 - -2 = 0। तो यानी जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है वह भी यहाँ होल्ड कर रहा है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखें। पांचवें क्वेश्चन के अंदर बी यानी कोफिशिएंट ऑफ टी नहीं है। यहाँ पर बात करें t² - 15 = 0। इसको तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, t = 15 आ गया, सॉरी t² = 15 यानी t की वैल्यू +/√15। तो यहाँ दो रूट निकल के आए, एक तो +√15 आ गया और दूसरा निकल के -√15 निकल के आए। अब √15 की वैल्यू सुंदर तो होती नहीं है। अच्छा चलिए आइए, तो दोनों जीरोस तो हमने निकाल लिए, आओ दोनों जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को चेक करें। अल्फा प्लस बीटा एक तो चेक करना है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा चेक करना है c/a। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो √15 + -√15 = -0/1। चूंकि t का कोफिशिएंट नहीं है तो यानी वो 0 है, तो b की वैल्यू 0 और t² का कोफिशिएंट 1, तो 0 = 0 यानी रिलेशन होल्ड कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो √15 - √15 = c, कांस्टेंट टर्म विद साइन लिया जाता है हमेशा, -15/1। तो √15 - √15 - 15 = -15 यानी ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, वापस सिखाते चले आ रहे हैं। अब की बारी रीअरेंज नहीं करना है, 3x² - x - 4 = 0। वापस से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट आ जाए और जिनका सम -1 आ जाए। 4 × 3 = 12, -4 × 3 - 12 निकल के आए। जब -12 आ गया और सम -1 चाहिए, अरे -4 और 3 खुद ही ऐसे नंबर हैं, क्योंकि -4 और 3 को जोड़े तो -1 जो कि हमको चाहिए, और -4 × 3 - 4 × 3 के बराबर। बहुत सही, तो हम इसको लिख देंगे -4x + 3x
माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये निकल के आ गया हमारे पास। इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो 3x माइनस फोर आ जाएगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन ना लें तो ऑलरेडी मामला सेट है बिल्कुल। तो यहाँ से x प्लस वन इंटू 3x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। मिल गए दोनों जीरो। आइए चेक करें कि अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या ये सी बाई ए है कि नहीं है। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस वन प्लस 4/3 माइनस ऑफ बी विच इज माइनस वन एक्स का कोफिशंट अपॉन ए 3, इधर आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3 1/3 1/3, यानी ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा को देखें तो अल्फा माइनस वन इंटू बीटा 4/3 इज इक्वल टू सी माइनस 4 अपॉन 3, इधर आ गया माइनस 4/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3। बहुत सही, तो यानी जीरोज और कोफिशंट के बीच में रिलेशन होल्ड कर रहा है। कॉपी कर लीजिए। आइए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन, जरा पढ़ें और इसके पीछे की थ्योरी को समझें। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। ये दो दो नंबर गिवन है, पहला नंबर सम है दूसरा नंबर प्रोडक्ट, तो हमको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने हैं जिनके जीरोस का सम ये हो और जीरोस का प्रोडक्ट ये हो। थ्योरी ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर्ड है। अगर सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा को एस कह दें और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा को पी कह दें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एक बार थ्योरी फिर रिवाइज करवा देता हूं। अगर रूट्स अल्फा बीटा, ध्यान दें, क्वाड्रेटिक विद रूट्स अल्फा एंड बीटा विल बी क्या होगी, सम के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल, यही है वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट अल्फा और बीटा होंगे। अगर आपको अलग अलग रूट्स दे दिए जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि k आप कुछ भी ले लें, अगर x को अल्फा रखेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो कर देगा पूरे को, और k की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, अगर x की वैल्यू बीटा रखेंगे तो बीटा माइनस बीटा जीरो कर देगा। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके रूट ये अल्फा और बीटा है, तो उसका सही जवाब होगा ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक, अनंत क्वाड्रेटिक जिसके रूट ये अल्फा और बीटा होंगे। अलग अलग के की वैल्यू रखते जाए अलग अलग इक्वेशन मिलती जाएगी। अगर रूट्स गिवन है तो इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसी को अपन मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अगर आपको सम पता प्रोडक्ट पता तो यही शक्ल आपको दिखाई पड़ेगी, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ये लीजिए। दोनों तरीके से निकालना हमको आ गया, दोनों तरीके से मतलब अगर रूट्स गिवन है तो भी हम क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं और अगर सम और प्रोडक्ट गिवन है तो भी हम क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं। चलिए खेल शुरू करें। पहला क्वेश्चन, सम ऑफ रूट 1/4 प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस 1, तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट माइनस सम प्लस प्रोडक्ट होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना सम के आगे माइनस साइन आता है, प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन आता है, तो सम 1/4 ये लीजिए, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो बहुत इजी हो गया भाई। अच्छा, सेकंड की बात करें, सम कॉन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो, सीधे उसने सम और प्रोडक्ट दे ही दिया है, सम भी दे दिया प्रोडक्ट भी दे दिया, कोई झंझट नहीं। तीसरा,
के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। चौथा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। पांचवा के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, अब सम ऑफ रूट खुद नेगेटिव है तो प्लस वन बाई फोर एक्स आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। छठा ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, फोर और वन तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। कॉपी कर लें।